हेलो भवान जी, मैं काजल बोल रही हूँ। हाँ काजल, कैसी हो? मुझे आपसे मिलना है। ये भी कोई पूछने की बात है बहू, तुम जब चाहो चली आओ। कल आपका क्या प्रोग्राम है? आजकल तो ज्यादातर घर पर ही रहता हूँ काजल मैं। हाँ कल 10 बजे पुलिस स्टेशन जाना है हाजिरी लगाने के लिए। लेकिन एक काम करो, आने से पहले फोन कर देना, वरना खामखा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मैं आपको 11:30 बजे मिल सकती हूँ कल? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा 11 बजे। अच्छा, अकेले ही आना, घर वालों के साथ नहीं आना, किसी को बताना भी नहीं तुम यहाँ आ रही हो, ठीक है? जी। ओके काजल। क्या बात है रेखा, 2-3 दिन से देख रहा हूं तुम चुपचाप सी हो। कहना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन कोई मेरी सुनता है? आप बाप है प्रिया के, अगर बेटी ने कोई गलत कदम उठाया तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसे समझाएंगे नहीं? रेखा तुम माँ हो उन बच्चों की, इसका मतलब ये नहीं हर बार उनकी तरफदारी करने मेरे पास चली आओ। इस उम्र में अपनी माँ को सहारा देने के बजाय आंखों में आंसू दिए उन्होंने और तुम आंखों में आंसू लिए चली आ तो मेरे पास। बेटी है वो हमारी, 9 महीने पेट में पाला है मैंने उसे। लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी, उनका कोई फर्ज नहीं है? आप कितना बदल गए हैं, बचपन में प्रिया को जरा सा सुकाम हो जाता तो आप आसमान जमीन पर उतार लाते, और आज क्या मैं प्रिया के उसी बाप से बात कर रही हूँ? रेखा मैं ये नहीं कहती कि प्रिया ने गलती नहीं की, लेकिन ना समझ है वो। ना समझ नहीं है वो, बिल्कुल ना समझ नहीं है, उसने सब समझ बूझ कर किया है। जिंदगी को बाप से बेहतर जानने का दावा करती है वो। मैंने सब समझाया था उसे पहली बार जब वो मॉडलिंग के बारे में बात करने आई थी, फिर भी जाके उसने। देखिए गलत दोस्तों के बहकावे में आ गई है, लेकिन आप उसे समझाते मैं उससे बात करती। तो फिर उस दिन क्यों नहीं की जब पहली बार वो मॉडलिंग के बारे में बात करने आई थी, क्यों नहीं समझाया उसे? इसके आगे इस घर में प्रिया के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। अकेले बैठे क्या सोच रही हूँ? कुछ नहीं। कुछ तो मैं ये सोच रही हूँ सुनीति, कि नीरज की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कोई सोच भी नहीं सकता था कि भगवान जी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, भगवान जी तो सिर्फ एक कड़ी है, पूरी कहानी कुछ और है। ये किसी और का किया था राय सुनी थी। किसका? मैं नहीं जानती, यही तो पता लगाने की कोशिश में मैं पागल हो चुकी हूँ। एक सिरा हाथ लगता है तो दूसरा सिरा आकर सब कुछ उलझा देता है। मैं इस बात की तय तक नहीं पहुंच पा रही हूँ क्योंकि मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी लड़ाई है किसके साथ, सामने कोई दिखाई नहीं देता। ये लड़ाई अब तुम अकेले नहीं लड़ रही, मैं भी साथ हूं तुम्हारी। मैंने भवान जी को जेल से छुड़वा लिया है। क्या? मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानती हूँ, उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन क्यों? क्योंकि भवान जी को सजा दिलाने से कोई फायदा नहीं है, असली कसूरवार वो नहीं है, उनका तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया है मोहरा बनाकर। तो फिर असली कसूरवार कौन है? इस घर का ही कोई है सुनीता।
हम में से एक इस परिवार का सदस्य है जो नीरज की भलाई नहीं चाहता, जो उसे ठीक होते हुए नहीं देखना चाहता। हम में से? पहले तो मुझे सिर्फ शक था, अब मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ। लेकिन हम में से कौन? अभी मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन कल मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। कल 11:30 बजे मुझे भवान जी से मिलना है। क्या हुआ? माजी, I'm sorry. पता नहीं कैसे हो गया माजी। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्लास ही तो गिर गया है ना, इसमें रोने की क्या बात है बेटा? माजी फिसल गई माजी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। शंकर जल्दी से साफ करो, रो मत बेटा। दूध का ग्लास गिरना बहुत अशुभ होता है माजी। अरे कैसी तकिया नुसी बातें करती हूँ, कुछ नहीं होता। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। मैं अपने साथ अपशगुन लेके आई हूँ माजी, मैंने इस घर में आते ही घर छोड़कर चली गई। देखो बेटे, प्रिया का घर छोड़ना और तुम्हारा इस घर में कदम रखना, इसका कोई संबंध नहीं है। सच तो यही है, मैं शगुन अपशगुन में विश्वास नहीं करता। लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना, घर में बहू के कदम रखते ही बेटी घर छोड़कर चली गई। लोगों के सोचने समझने से इस घर में कुछ नहीं बदलता बेटी, कुछ भी नहीं। एक बात तुम अपने दिमाग से निकाली कि तुम अपने साथ अपशगुन लेकर आई हो, रही लोगों की बात तो उनका मुंह कैसे बंद किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और एक बात मैं तुम्हें बता ही दूं, तुम्हारे आने से पहले प्रिया इस घर को छोड़कर चली गई, वो अपने कर्मों से गई है, तुम अपनी किस्मत लेकर आई। मतलब वो ट्रॉमा से बाहर आ रहा है? जी डॉक्टर। मतलब वो एसोसिएशन उतना पेनफुल नहीं रहा? इसका मतलब समझ रहे आप कोशिश करना, नीरज इंप्रूव हो रहा है। दिस इज रिमार्केबल, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मिस खन्ना, यही राइट टाइम है, अगर हम ये सक्सेसफुली कर सके तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नीरज कैन इंप्रूव ड्रामेटिकली। लेकिन हमें इसके लिए करना क्या होगा डॉक्टर? नीरज ने जैसे बताया कि उसके दादाजी की मौत हुई है, हमें हूबहू वही सीन इनैक्ट करना है, दोबारा रिपीट करना है। डॉक्टर लेकिन नीरज तो ये बातें बताकर सहम जाता है, उसके साथ ऐसा हुआ तो हमें ये रिस्क तो लेना ही होगा। मिसेस खन्ना, आर या पार? लेकिन हमारे घर वाले इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो आपको इनके मर्जी के खिलाफ करना होगा, आपको ही करना है ये, इससे अच्छा कंड्यूसिव मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। जस्ट डू इट मिसेस खन्ना। ओके डॉक्टर जी, मैं कोशिश करूंगी। सुनीति, सुनीति माँ, वो बाथरूम है। अरे मैं उसके लिए दूध लाई हूँ। दूध? ये मसाले वाला दूध है, ये सब मैं अपने पोते के लिए कर रही हूँ। तेरी नानी कहा करती थी, माँ अगर हर सुबह एक ग्लास केसर वाला दूध पिए तो बच्चे गोरे पैदा होते हैं। माँ तो तुमने मेरे वक्त क्यों नहीं पिया? अरे इसीलिए तो याद से बहू को पिला रही हूँ। अच्छा। सुनीति माँ तुम्हारे लिए दूध लाई है। पक्का मम्मी ने रखा है ना? हाँ। क्या मिला है इसमें? हाँ माँ कह रही थी वो केस। क्यों पूछ रही हो? मैं बस कंफर्म करना चाहती थी कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं मिला है जिससे मेरे होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो। होली आने वाली है सुनीति। होली को आते भी और जाते भी, ये घर कोरा का कोरा ही रहता है।
होली के रंगों का कोई असर नहीं होता इस घर में। काजल, मैंने आज तक इस घर में किसी को भी होली खेलते नहीं देखा। इस बार इस घर में होली खेली जाएगी। काजल, जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना बेकार है। कुछ भी हो जाए, नीरज इस बार होली खेलेगा। काजल, नीरज भैया की वजह से ही तो इस घर में होली नहीं खेली जाती है। होली के रंगों को देखकर उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, वो आपा खो बैठते हैं, सहम जाते हैं, उन्हें दौरा भी पड़ने लगता है। होली के दिन तो इस घर के खिड़की और दरवाजे दोनों बंद रखे जाते हैं ताकि कोई गलती से भी रंग लेकर इस घर में ना आ जाए। जानते हो, लेकिन यही डर दूर करने के लिए इस बार नीरज होली खेलेगा। मैंने डॉक्टर से बात की है सुनीति। काजल, मम्मी जी और डैडी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार इस घर में होली खेली जाएगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस घर में होली नहीं खेली जाती, फिर भी तुम? पता है मम्मी, इसलिए आपसे परमिशन ले रही हूँ। बहू, होली के रंगों से नीरज को दौरा पड़ सकता है, फिर से दौरा पड़ा तो ये रिस्क हमें लेना होगा। लेकिन जहाँ तक नीरज का सवाल है, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मम्मी, डर का सामना करना होगा। कब तक आप नीरज का डर उससे छुपाते रहेंगे? अगर कल नीरज ठीक नहीं हुआ या उसे और कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। काजल, ये मैं नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर लकड़ावाला कह रही है। डॉक्टर लकड़ावाला कोई फरिश्ता नहीं है। लेकिन अब तक नीरज का जिन जिन डॉक्टर्स ने इलाज किया है उससे तो कहीं बेहतर है ना मम्मी। लेकिन क्या गारंटी है कि होली खेलने के बाद भी नीरज ठीक हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, हर बात की गारंटी नहीं होती। और फिर भी तुम? ठीक है बाबू, इस साल इस घर में होली खेली जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? ना उम्मीद के लिए हल्की सी उम्मीद भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये रिस्क उठाने को तैयार हूं, और वैसे भी छोटी बहू की पहली होली है। हो सकता है कि नीरज की कोरी जिंदगी में खुशियों के रंग भर जाए। जब सूरज ना सीन में डूबता होगा तो बहुत जोर से आवाज आती होगी ना करके, जैसे जब रामू काका पतीली से चाय डालते ना कप में तब आती है। ऐसे थोड़ी होता है नीरज, कुछ कुछ भी नहीं जानते हो तुम। मम्मी बोली थी तीन ताले जल दो, पता था होता है। वो रात को ना सूरज ना सीन में डूब जाता, डूब जाता फिर रात हो जाती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अगले दिन कैसे निकलता है वो? बोलो। उफ, क्या कर रहे हो नीरज, लग जाएगी। भगवान की आ ऊपर रोज सुबह उसको दोबारा जा रही थी। तुम्हें किसने बताया ये? साक्षात तुम और फ्रैंक ना। अच्छा, तुम्हें पता है परसों कौन सा दिन है? चलो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो तो है, लेकिन और कुछ भी है? पता नहीं मेरे को। परसों होली है नीरज। होली ये क्या होता है? होली एक फेस्टिवल होता है रंगों का, सब एक दूसरे के ऊपर कलर्स लगाते हैं। है? तो कितने साल में आता है एक बार? हर साल आता है। मैंने नहीं खेला आज तक कभी। तुमने खेला होगा, तुम्हें याद नहीं है। फिर से खेलोगे तो सब याद आ जाएगा। खेलोगे? ओके ओके।